बनाना शुरू करते हैं हम अपना बेसन का लड्डू। बेसन का लड्डू बनाने के लिए हमने कढ़ाई गैस के ऊपर रख दी है। अब हम इसमें डालेंगे देसी घी, एक कच्ची देसी घी की डाल लेंगे और इसको थोड़ा मेल्ट होने देंगे। गैस को हल्का कर लेंगे। घी हमारा मेल्ट हो गया है, इसमें हम डालेंगे अपनी गोंद। ये गोंद हमें बाजार से आसानी से मिल जाती है। ये जो है बेसन के लड्डू में डालने के लिए ड्राई फ्रूट के साथ हम इसको डालते हैं। इसको हम कढ़ाई में डाल देंगे और फ्राई कर देंगे। गैस को थोड़ा तेज कर लेंगे और देख सकते हैं किस तरह से इसका कलर जो है चेंज हो रहा है और ये फूलने लगती है। ये हमारी गोंद जो है फ्राई हो गई है, इसको अब हम निकाल लेंगे। गैस हल्की कर लेते हैं और इसको किसी प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम डालेंगे इसमें बादाम की गिरियां और इसको भी फ्राई कर लेंगे। हल्का हल्का हमने फ्राई करना है। अब देख सकते हैं इसका भी कलर जो है चेंज होने लगा है, इसको भी बाहर निकाल लेते हैं। अब हम हल्का सा पिस्ता अपना डाल देंगे इसमें। और इसको साथ ही निकाल लेंगे और इसमें डाल देंगे हम अपना एक कटोरी बेसन। गैस को हल्का रखेंगे और बेसन को भून लेंगे। अब देख सकते हैं इसमें घी कम है, थोड़ा सा घी इसमें और डाल देते हैं। एक चम्मच घी इसमें भरकर डाल देंगे और गैस को थोड़ा सा तेज कर लेते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। घी हमने इसमें एक चम्मच और डाला है। अच्छे से इसको हल्की गैंद पे गैस पे भून लेंगे। हमने जो बेसन का लड्डू बनाने के लिए बेसन लेना है वो थोड़ा मोटे वाला लेना है। दो तरीके के बेसन आते हैं, एक पतला आता है बारीक और एक आता है मोटा। हमने मोटा बेसन लेना है लड्डू के लिए। इसको हल्की गैस पे अच्छे से भून लेंगे। लगातार हमें हाथ चलाते रहना है। जब तक ये हमारा बेसन भून रहा है हम थोड़े से बादाम की गिरियां और पिस्ते को काट लेते हैं। ये बादाम की गिरियां और पिस्ता हमने काट लिया है। एक एक बादाम की गिरी के हमने चार चार पाँच पाँच टुकड़े कर लिए हैं और इसी तरह से हमने पिस्ते को भी काट कर बारीक काट लिया है। बेसन में से बड़ी अच्छी स्मेल आ रही है। अब इसको हम थोड़ा और भूनेंगे। बिल्कुल हल्की गैस पे ही हम इसको भून रहे हैं। अब देख सकते हैं कलर इसका ब्राउन हो गया है। गैस को बंद कर देते हैं। इसमें हम डाल लेते हैं अपना ड्राई फ्रूट और गोंद। ये दोनों चीज़ें इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा पिस्ता छोड़ लेंगे, गोंद भी डाल देते हैं। इसमें डालेंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर, तकरीबन आधा चम्मच। ये हमने बिल्कुल हरी इलायची का पाउडर है, बिल्कुल इसके जो हरी इलायची के दाने हैं हमने पीस लिए हैं। इसको मिक्स कर देते हैं। बेसन जो हमने बनाया था ये ठंडा हो चुका है, इसको हिलाते हैं थोड़ा। और ये जो चीनी हमने पीसी है ये घर में हमने पीस ली है, ये हम आधी कटोरी इसमें डालेंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छे से हमने चीनी को बेसन में मिक्स कर लिया है। अब अपने हाथ को थोड़ा सा चिकना कर लेंगे, थोड़ा सा देसी घी इसमें लगाएंगे इस तरह से और इसका जो है लड्डू बना लेंगे। हमने इसका एक लड्डू बनाना है। हम चाहें तो छोटे छोटे जितने मर्जी लड्डू बना सकते हैं, पर हम इसका एक लड्डू बनाएंगे राजभोग की तरह। इस तरह से हम इसको ले लेंगे। लड्डू हमने बना लिया है, हमने एक बड़ा राजभोग वाला लड्डू बनाया है। इस पे अब हम लगाएंगे अपना वर्क। इस तरह से हम इसको वर्क लगा लेंगे और इसके ऊपर लगाएंगे पिस्ता और बादाम की गिरियों से इसको गार्निश कर देंगे। ये बेसन का लड्डू बहुत बढ़िया बनकर तैयार हो चुका है। बहुत ही टेस्टी बेसन का लड्डू बना है। आप इसे ज़रूर बनाएं, इस दिवाली में आप इसे ज़रूर बनाएं, अपने गेस्ट को खिलाएं, खुद भी खाएं। कभी भी आपका मीठा खाने का मन करे आप इसको बना सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।